हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं लाइव क्यों नहीं आती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैं आज लाइव आऊँगी, लेकिन आ नहीं पाती हूँ। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मेरा लड़का है, तो वो बोलता है दोस्तों ना कि मैं उसको प्यार नहीं करती हूँ, मैं दिन भर सिर्फ वीडियो बनाती हूँ और मतलब उसको हम टाइम नहीं देते हैं, ऐसा वो बोलता है। तो ये चीज़ सुनने के बाद जो है मेरे को बहुत अंदर से बहुत ख़राब फील हुआ। मेरे को लगा कि इतना छोटा बच्चा है जो कि बोल रहा है कि मैं उसको समय नहीं देती हूँ। और वो सही कह रहा था दोस्तों, क्योंकि सच में मैं पहले सोचती थी कि मैं रील बनाऊंगी तो मैं अच्छे से रहूंगी, अपने आप को मतलब अच्छा रखने के लिए मतलब मैं रील बनाने लगी, लेकिन उसको सच में समय में कम देने लगी थी। क्योंकि वो स्कूल जाता था, फिर स्कूल से आता था, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताती थी, फिर सो जाता था, फिर जब उठता था तो फिर वो उसको अपना पढ़ाई लिखाई अपने से करता है वो, और मैं उसको ध्यान नहीं दे पा रही थी कई दिनों से। लेकिन संडे वाले दिन बोला, मैं जा रही थी वीडियो बनाने, मैं बोली कि बिट्टू मैं वीडियो बना लूँ, तो बोला कि नहीं मम्मी, प्लीज़ मम्मी वीडियो नहीं बनाओ। तो बोली कि क्यों बेटा? बोला कि तुम मेरे को टाइम नहीं देती हो और मुझे प्यार नहीं करती हो। तो मेरे को बहुत ख़राब लगा। तो फिर मैं सोची ना कि वो सही कह रहा है, अगर दूर होते तो कुछ और बात होती, लेकिन पास रह के टाइम न देना ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं सोची थी कि मैं लाइव आऊँगी, और आप लोग भी मेरे अपने हैं, तो आप लोगों के लिए भी मेरे को समय निकालना होगा। तो दोस्तों, मैं सोची कि थोड़ा टाइम इसके साथ मैं बिता लेती हूँ, क्योंकि वो स्कूल से आता है ना तो उसको अकेलापन लगता है, मतलब लगता है कि मेरे साथ कोई रहे, मेरी बातें सुने, ऐसा उसको लगता है। तो इसकी वजह से मैं उस दिन तो रील ही नहीं बनाई, बोली कि छोड़ो जाने दो, आज मैं नहीं बनाऊंगी, तो मैं नहीं बनाई। फिर उसके साथ मैं बैठी थी, उसके साथ हम और वो दोनों लोग फिल्में देखे दोनों लोग, तो वो बहुत खुश था। तो दोस्तों, अब क्या होता है ना कि मैं दिन में ही मतलब वीडियो, जैसे वो स्कूल चला जाता है तभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अपना, और शाम को 7-8 बजे तक शूट मतलब कि वीडियो हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। और नहीं तो फिर मैं पहले क्या था कि मैं दिन भर घर का जैसे जो भी मेरा काम होता था मैं काम करती थी, फिर शाम को खाना बनाने के बाद मैं रील्स बनाती थी, उसको सच में समय मैं नहीं दे पाती थी। तो फिर मैं अभी इस टाइम में दिन में ही बना लेती हूँ, फिर शाम को खाना बनाते समय अपने साथ ही उसको ली रहती हूँ, और मैं वीडियो मतलब अपलोड करती हूँ, 5-7 मिनट लगते हैं, और फिर उसके बाद हम दोनों लोग मतलब उसको समय देते हैं। तो रात को जैसे कि लाइव आना मतलब जैसे वो अगर रहने लगेंगे घर, जैसे उनका काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब मैं लाइव आऊँगी दोस्तों, क्योंकि उसको सच में हम दोनों लोगों के सिवाय उसका कोई मतलब कि है नहीं जैसे घर में कि मतलब उसको समय दे। सब लोग मतलब हमारे यहाँ सब लोग काम ही करते हैं, मतलब मम्मी भी हैं और नीलम भी हैं, वो लोग भी ड्यूटी जाती हैं, उन लोगों के पास भी टाइम नहीं मिलता है। वो लोग भी सुबह 9:30-10 बजे जाती हैं तो रात को 8-9 बजे तक आती हैं, और बाबू जैसे कि वो ये भी आते हैं, आप लोगों को पता है कि 11-12 बजे तक इनको भी आने में, तो बचा कौन? हम और वो दोनों लोग बचे। तो जब मैं लाइव आ जाती हूँ तो उसको अकेलापन लगता है, जैसे लगता है कि उसके साथ कोई है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों, मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब इनका काम जो ऑफिस का है कम हो जाएगा, तब दोस्तों मैं लाइव आऊँगी और मैं आप लोगों के लिए भी समय निकालूंगी। लेकिन मेरा बाबू जो है वो छोटा है, वो समझ नहीं सकता है, लेकिन आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हैं। क्योंकि वो बच्चा है दोस्तों, और उसको सच में साथ की तो ज़रूरत है, साथ देना चाहिए हमें। हमें लगता है कि नहीं, मेरे को साथ उसका देना चाहिए, उसको अकेला फील नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? और दोस्तों हाँ, आप लोग जो मेरी चाची आती थी, जो कि आप लोग पूछते थे कि चाची कौन है और कैसी हैं, तो आप लोग देखिए वीडियो में वो आ ही गई हैं आज। देखिए ये हैं मेरी चाची, आप लोग मिल लीजिए हमारी चाची से, बहुत मेरा ध्यान रखती हैं ये चाची। आज जा रही थी तो मैं इनको बुलाई हूँ चाची को, देख लीजिए यही है मेरी चाची। तो दोस्तों, यही है मेरी चाची जो कि हमेशा बहुत मतलब साथ देती हैं ये भी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और बाय बाय दोस्तों।